कांग्रेस के भीतर के कले पर पार्टी के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आया है बिना नाम लिए आला कमान पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि आज कांग्रेस सबसे निचले स्तर पर है पार्टी के बड़े नेताओं का कार्यकर्ताओं से संपर्क टूट सा गया है फाइव स्टार होटलों में बैठ चुनाव नहीं लड़े जाते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को कहा की कांग्रेस के नेता आम लोगों से पूरी तरह से कटे हुए है और पार्टी में पांच सितारा संस्कृति घर कर गई है उन्होंने संपूर्ण ढांचे में अमूलचूल परिवर्तन का आह्वान किया बिहार विधानसभा में कांग्रेस की हार के बाद यह उनका पहला बयान आया है इस चुनाव में पार्टी ने सत्तर सीटों पर चुनाव लड़ा था जिनमें से वह केवल उन्नीस सीटों पर जीत दर्ज कर पाई आजाद ने कहा कि ब्लॉक से लेकर जिला और राज्य स्तर तक चुनाव कराकर पार्टी के ढांचे में अमूलचूल परिवर्तन की तत्काल जरूरत है उन्होंने कहा की कांग्रेस नेताओं को कम से कम चुनाव के दौरान पांच सितारा संस्कृति को छोड़ देना चाहिए उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक नेता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए केवल दिल्ली से जाना और पांच सितारा होटलों में रहना और दो तीन दिन के बाद दिल्ली लौटना पैसे की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की राज्य जिला और ब्लॉक इकाइयों में सभी पदों के लिए चुनाव कराने की वकालत की उन्होंने कहा हम पीसीसी डीसीसी और बीसीसी को निर्वाचित करना चाहिए और इस संबंध में पार्टी के लिए कार्यक्रम बहुत जरूरी है इतना ही नहीं गुलाम नबी आजाद ने एक शेर भी पढ़ा उन्होंने कहा पार्टी से इश्क इश्क होना चाहिए कि नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है है के जाना है। लोग समझते हैं लड़कियों से ही प्रेम करना ही इश्क है भगवान से इश्क है अपने पीर पैगंबर से भी इश्क है अपने धर्म को भी प्यार होता है बता दें कि अगले महीने संभावित तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना है पहले भी अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद हो चुका है नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी उस पर भी विवाद हो गया था अब गुलाम नबी आजाद ने जो बयान दिया है उससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या एक बार फिर अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर विवाद होगा